हेलो एवरीवन, आई एम आकाश और वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स देने वाला हूँ मैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, नर्सिंग, DMLT, BMLT, किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ में आपकी अदर प्रिपरेशन भी इसके साथ में हो जाएगी। चाहे आप SSC वगैरह किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए साइंस पोर्शन जो आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड हॉर्मोन्स क्या होते हैं, T3 हॉर्मोन्स क्या होता है, T4 हॉर्मोन्स क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, उससे कौन सा हॉर्मोन्स निकलता है, थायरोक्सिन हॉर्मोन्स क्या करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने इंक्लूड की हुई है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है वो समझिए आप पहले। थायराइड ग्लैंड इज़ अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, समझो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड ही होती है। ठीक है, मैं अंतःस्रावी एंडोक्राइन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सोक्राइन की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ इंटरनल एंडोक्राइन सिस्टम वाली, जो एंडोक्राइन का काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स। इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स। देखिए, यह ग्रंथि ट्रेकिया के सामने एवं लैरिंग्स के नीचे स्थित। देखो, ट्रेकिया कौन सा होता है, आपका फूड पाइप, फ्रंट ऑफ द फूड पाइप के फ्रंट में लैरिंग्स, जिसे यहां पे हमारा वोकल कॉर्ड, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते, उसके नीचे और ट्रेकिया के ऊपर, वॉइस बॉक्स के नीचे, ट्रेकिया के ऊपर। तो याद रखना कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, पाई कहाँ पे जाती है, लोकेशन बिलो द लैरिंग्स और फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ये एग्जैक्ट लोकेशन होती है, उसकी जगह होती है जहाँ पे पाई जाती है। इट इज़ फाउंड बटरफ्लाई इन शेप, यह तितली के समान संरचना वाली ग्रंथि होती है। देखो, आप इस ग्लैंड को देख के आपको ऐसा लग रहा है जो बटरफ्लाई रहती है, तितलियाँ रहती है, उस तरह की ये ग्रंथि होती है, उस तरह की दिखाई देती है बटरफ्लाई शेप में हमें, इसीलिए हम इसे बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या क्या चीज़ें बोली मैंने, थायराइड ग्लैंड इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दूसरी चीज मैंने बोला है इट इज़ लोकेटेड, यह स्थित होती है लैरिंग्स के नीचे और ट्रेकिया के आगे, फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ये बटरफ्लाई शेप में होती है, तितली के आकार संरचना जैसी हमको दिखाई देती है। आगे बढ़ता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड हॉर्मोन्स को समझने से पहले थायराइड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से बनावट है, कहाँ से कौन सा हॉर्मोन्स निकल रहा है, ये चीज़ देखना जरूरी है। देखिए, इट इज़ अ बाइलोब्ड ग्लैंड, ये बोलना चाहता है यह ग्रंथि दो भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है भैया, डायग्राम देखो, इसका एक वाला भाग इधर वाला भाग, राइट भाग ये लेफ्ट, तो कितने लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्रंथि में दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोथ लोब आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इस्थमस, ये बोलना चाहता है यह दोनों भाग आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी इस्थमस क्या होता है देखो जरा, ये आपकी ग्लैंड है ना, आपको मैं बना के बताता हूँ, वन मिनट ड्रॉ करता हूँ आपको मैं। देखो, ये जो ग्लैंड है ना आपकी, ये जो राइट वाला लोब है, ये लेफ्ट वाला लोब है, ये लोब, ये दोनों लोब आपस में कनेक्टेड रहते, किस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड रहते, ये लोब जब आपस में जुड़े, तो बीच में जो ये एरिया है ना, जैसे ये पेन में लगाता हूँ यहाँ पे, ये वाला एरिया, तो ये पेन इस्थमस है, ये दोनों आपस में बीच में जुड़े रहते इस्थमस के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है दो भागों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें लोब कहते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये दोनों लोब जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं काई के द्वारा, ये रहा आपका इस्थमस के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते, बटरफ्लाई शेप में होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप में होती है, दो लोब पाए जाते हैं राइट और लेफ्ट, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं इस्थमस के द्वारा। यहाँ पे बीच में जो एरिया है ना, इनको इस बीच वाली सेंटर लाइन को इस्थमस कहूँगा। आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें,
दिस थायराइड लोब मेड अप मेनी स्मॉल फोलिकल सेल विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। देखो एक बार हिंदी में देख लो, समझाता हूँ आपको मैं। यह दोनों भाग कई प्रकार के फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और ये फॉलिकल आपस में स्ट्रोमा टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। डायग्राम देखो, ये थायराइड ग्लैंड थी आपकी, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड थी आपकी। अब इस थायराइड ग्लैंड में यदि आप देख पा रहे होंगे दो लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, दोनों लोब आपस में बीच में से कनेक्टेड है इस्थमस के द्वारा। जब इसको जूम करूँगा, ऐसे जूम करके देखूँगा तो ये निकलेगा नतीजा। इसमें देखो छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रही है फॉलिकल सेल है, क्या बोलूँगा, ये छोटे छोटे 1, 2, 3, 4 ये बीच में लिखा हुआ फॉलिकल, तो ये छोटे 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 फॉलिकल कोशिकाएं होती है जो कि आपस में, अगर आपको इस चारों तरफ इसमें कुछ एरिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इनको बोलेंगे स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं इसको पूरी चीज़ को आपको फिर से एक बार बताता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप। देखो मैंने कहा है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड का मतलब दो भागों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये दोनों भाग मैंने बोला है कि जो थायराइड ग्लैंड के जो दोनों भाग होते हैं यह आपस में एक लाइनिंग होती है जिसे मैं इस्थेमस कहूँगा। यह उस इस्थेमस के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इतनी चीज भी समझाई। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि ये पूरी जो थायराइड ग्रंथि है, जब मैं इसको जूम करूंगा माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो इसमें छोटी 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 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें मैं क्या कहूंगा, फॉलिकल कोशिकाएं। फिर से बताता हूं, छोटी छोटी सेल्स है, छोटी छोटी फॉलिकल सेल्स है जिन्हें मैंने फॉलिकल सेल्स कहा, छोटी छोटी कोशिकाओं को फॉलिकल सेल्स कहूंगा। वो फॉलिकल सेल छोटे छोटे जो दाने हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं कैसे, स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू तो कनेक्ट है जो कि कनेक्शन के काम करेगा, बट कौन सा, स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देख लो डायग्राम में यहाँ पे, ये बीच में फॉलिकल सेल, ये फॉलिकल सेल, ये सारे फॉलिकल सेल आपस में आई जो एरिया दिख रहा है इसको बोलूँगा स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। बाइलोब्ड होती है, तितली यानी कि बटरफ्लाई शेप में होती है, दो लोब होते हैं, दोनों लोब आपस में इस्थेमस के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस ग्रंथि छोटी छोटी फॉलिकल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये फॉलिकल कोशिकाएं आपस में स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ती है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक होता है आपका स्ट्रक्चर क्लियर। आगे देखो, हॉर्मोन्स रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज होता है। देखिए T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, क्या बोलते हैं, T3 का फुल फॉर्म याद रखना ट्राईआइडोथायरोनिन। जो TSH हॉर्मोन्स मैंने बताया था तो पहली वीडियो थायराइड ग्रंथि, सॉरी आपकी एंडोक्राइन सिस्टम के पहली वीडियो जाकर देखो, उसमें मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था, वो TSH बनाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, वो हमारी थायराइड ग्रंथि तक आता है और इन हॉर्मोन्स को उत्तेजित करता है। कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं थायराइड ग्रंथि से, वो समझिए। T3 ट्राईआइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स, ये सबसे पहला हॉर्मोन से जो कि आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्युलर थायरॉइड हॉर्मोन्स, मैंने कहा है T3 हॉर्मोन्स को ट्राईआइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स तो कहते हैं, साथ साथ में उसको थायराइड हॉर्मोन्स को सेल्युलर थायरॉइड हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि कभी पूछे सेल्युलर थायराइड हॉर्मोन्स कौन सा है, T3 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन T3 हॉर्मोन्स, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, आपकी थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, यह शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई बच्चा है उसकी थायराइड ग्रंथि अनियमित रूप से सिक्रेशन कर रही है, बोलने का मतलब यह है मेरा कि वो उसकी जो ग्रंथि है वो हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, इसके बारे में मैं आऊँगा, इसके ऊपर अच्छे से बताऊँगा मैं आपको, बट इतना याद रखो, यदि कोई बच्चा है, यदि कोई व्यक्ति है जिसकी
थायराइड ग्रंथि प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो उसकी जो फिजिकल जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना वो नहीं हो पाते, बम्प हो जाती, बॉडी स्वेल हो जाती, सिकुड़ जाती, अजीब से परिवर्तन दिखाई देते, मतलब जो भौतिक परिवर्तन है ना वो ठीक से नहीं हो पाते। यदि मैं बात करूँ थायराइड हॉर्मोन्स की, ये प्रॉपरली वर्किंग करता है और हमारी जो भौतिक वृद्धि यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को बना के रखता है। तो याद रखना T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स कहते हैं और इसको सेलुलर थायराइड हॉर्मोन्स के नाम से भी जाने जाता है। ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये बोलने जाता है यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद रखना आपके डाइजेशन के लिए भी, जो आप डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उसके बाद जो उसमें मेटाबॉलिज्म होता है ना, उपापचयन की क्रिया जिसे बोलते हैं, टूटना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, प्रोटीन का टूटना, वहाँ पे भी थायराइड हॉर्मोन्स का बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। याद रखना, दो मैंने फंक्शन बताए आपको T3 जिसे ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं। एक तो ये है कि वो फिजिकल डेवलपमेंट हमारे शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, सही से वृद्धि करवाता है, कम या ज़्यादा हो गया तो वृद्धि ठीक से नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ यह शरीर में उपापचय क्रिया यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को भी मेंटेन रखता है। कौन? T3 ट्राईआइडोथायरोनिन। ये पहला हार्मोन था जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता रहता है। नेक्स्ट हार्मोन्स के ऊपर आता हूँ मैं, T4 टेट्राआइडोथायरोनिन। वो ट्राईआइडोथायरोनिन था, ये चार है, T4 तो टेट्रा बोलूँगा मैं चार को, ठीक है, टेट्राआइडोथायरोनिन। ये टेट्राआइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स क्या करता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हॉर्मोन्स। यदि आपने सुना हो तो इस हॉर्मोन्स को थायरोक्सिन हॉर्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? T4 ट्राईआइडो, ठीक है, ट्राईआइडो तो वो पहले था, T3 को ट्राईआइडो बोला था, ये T4 है, T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं और इसको थायरोक्सिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, कभी कंफ्यूज होना मत। यदि आपसे पूछे थायरोक्सिन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, T4 हार्मोन्स का और दूसरा नाम टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन्स। क्लियर है? इसमें आगे बढ़ता हूँ मैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल, ये भी हमारी बॉडी की जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। याद रखना कि जो भौतिक परिवर्तन, भौतिक वृद्धि हमारे शरीर की होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टेट्राआइडोथायरोनिन। तो याद रखना, दो हार्मोन्स बताया, T3 हार्मोन्स, ट्राईआइडोथायरोनिन बताया था मैंने, ये है मेरा टेट्राआइडोथायरोनिन, T4 बोलूँगा मैं। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन से ही आपको कैल्शियम शब्द का नाम याद आता होता है, ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड है, मैं बताता हूँ। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है, यह हॉर्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं होने देता है, बहुत कम भी नहीं होने देता है, ठीक है, कैल्शियम की कंटिन्यूसली मात्रा जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करते ही रखता है कैल्सीटोनिन हॉर्मोन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप कैल्सीटोनिन। अब देखो, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, अब मैंने आपको हॉर्मोन्स बताए, तीन प्रकार के हॉर्मोन्स बताए, T3 हॉर्मोन्स, ट्राईआइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स बोला, T4 हॉर्मोन्स, टेट्राइडोथायरोनिन हॉर्मोन्स बोला, कैल्सीटोनिन, ठीक है। अब ये तीनों हॉर्मोन्स, ठीक है, जिन्हें मिला के मैं संयुक्त में एक थायराइड हॉर्मोन्स कहूँगा। अब आप बोलोगे सर क्या, तो थायराइड हॉर्मोन्स यदि बढ़ जाए तो क्या होगा और यदि कम हो जाए तो क्या होगा, मतलब उनसे रिलेटेड, उनसे होने वाली बीमारी, कम या ज़्यादा मात्रा हो जाने पर कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, वो चीज़ देखिए। देखिए, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो हाइपर, समझो दो वर्ड का मतलब है, हाइपो हाइपर, हाइपर का मतलब हाइपर, किसी अपन बोलते नहीं यार इतना हाइपर मत हो भाई, हाइपर मत हो, हाइपर मतलब कि उत्तेजित यानी कि ज़्यादा हो जाना, हाइपो हाइपो मतलब कि कम, पर मतलब ज़्यादा, पो मतलब कम, हाइपर और हाइपो। अब समझो, हाइप
हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म मतलब डिज्म मतलब वो डिजीज। देखिए दिस इज द मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। बोलना चाहता है ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें थायराइड हॉर्मोन्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। किसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना थोड़ा कम हो जाता है। और आपको याद है कम होगा तो क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, कैल्सिटोनिन कैल्शियम मेंटेन नहीं होगा, और भी दिक्कतें आ सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ इसमें मैम। अब हाइपोथायरॉयडिज्म कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या देखा जा सकता है? देखिए जब आपके थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे उस अवस्था को हाइपोथायरॉयडिज्म बोला है। अब आपके थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं तो कौन सी बीमारियां होती है वो देखो। क्रेटिनिज्म्स, ये क्रेटिनिज्म्स क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन इन विच सी विच इज सीन इन चिल्ड्रंस। बोलना चाहता है कि ये केवल बच्चों में देखी जाती है। कौन सी बीमारी? आपको बोला मैंने कि क्रेटिनिज्म्स जो होती है एक ऐसी बीमारी है जो कि थायराइड हार्मोन्स की कम मात्रा प्रोडक्शन होने पे ये बीमारी होती है। ये बीमारी केवल बच्चों में देखी जाती है। अभी बीमारी होती क्या है वो देखो। इन दिस कंडीशन सीन अ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर इरेगुलर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। बोलना चाहता है इस अवस्था में बच्चों में मानसिक बीमारी देखी जाती है एवं या बच्चों में वृद्धि भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या मैंने फिर से बताता हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है जब थायराइड हार्मोन्स कम बनेगा। कौन सी बीमारी हो सकती है? मैंने बोला क्रेटिनिज्म्स हो सकता है। अब ये क्रेटिनिज्म्स क्या होता है? सर एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि बच्चों में होती है। ठीक है, बच्चों में होती है तो बच्चों में क्या दिखता है हमें? बच्चों में दिखता है कि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मेंटल डिसऑर्डर है उसको, मस्तिष्क से समस्या कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कब हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि इस हॉर्मोन्स की वजह से, और भी रीज़न हो सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर के। तो पर फिर भी ये जो क्रेटिनिज्म्स होता है, क्रेटिनिज्म्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है जो कि बच्चों में देखी जाती है, जो कि थायराइड हॉर्मोन्स के कम प्रोडक्शन की वजह से होती है। आई होप कि आपको क्रेटिनिज्म समझ में आया होगा। अब मैं हाइपोथायरॉयडिज्म में और दूसरी बीमारी बताता हूँ कि जब आपके थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो और कौन सी बीमारी होती है? मिक्सेडिमा, आपने कभी पढ़ा होगा मिक्सेडिमा के बारे में। दिस कंडीशन इज ओनली सीन इन एडल्ट पर्सन। यह बीमारी केवल वयस्क अवस्था केवल वयस्कों में देखी जाती है, मतलब जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें देखी जाती है। होता क्या है? इन दिस कंडीशन इंक्रीज द स्वेलिंग इन फूट। यह अवस्था में पैरों में अत्यधिक सूजन, जो मांस बढ़ जाता है, दोनों पैर है, दोनों पैर ऐसे ऐसे बम्प हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्वेलअप हो जाते हैं, बम्प हो जाते हैं, उस कंडीशन में उसे मिक्सेडिमा कहते हैं। मिक्सेडिमा एक बीमारी होती है जो कि थायराइड हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा कम मात्रा प्रोडक्शन होने पर होती है। होता कब है मिक्सेडिमा? जब हमें थायराइड हार्मोन्स कम बनेगा, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है, और उसमें पैरों में सूजन आ जाएगी, मांस बनने लगेगा, पैरों में से बंप हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। अब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया हाइपोथायरॉयडिज्म, यदि थायराइड हार्मोन्स कम हो गया तो क्या होगा? अब बताता हूं, जब बढ़ जाएगा थायराइड हार्मोन्स तो कौन सी बीमारी होगी, जिसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। याद, टॉक्सिकोसिस मतलब समझ में आ रहा होगा जहर जैसा बनना, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब ज्यादा होना। देखो, इट इज द कंडीशन इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ऐसी अवस्था होती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाते, ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की मात्रा शरीर में अत्यधिक बढ़ जाती है। कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो जरा, टाइप ग्रीवा डिसीज। ये ग्रीवा डिसीज क्या होता है? इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल विच इज कॉल्ड एक्सोप्थेलमस। ठीक है, बोलना चाहता है यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आंखें एकदम उभरी उभरी बाहर, डायग्राम देखो इस प्रकार की बीमारी, ठीक है, जो आई बॉल है ना बाहर एकदम बाहर की ओर खिंच जाती है, इसे बोलते हैं हम एक्सोप्थेलमस। एक्सोप्थेलमस मतलब आंखों का बाहर आ जाना। और ये कब हो सकता है? जब आपके थायराइड हार्मोन्स की मात्रा
अत्यधिक शरीर में बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज हो जाए, तब हमें ग्रीवा डिसीज़ यानी कि एक्सोपथैलेमस दिखाई देता है, आई बॉल जो है हमारी बाहर आ जाती है। तो यार ये कुछ चीज़ें थी थायराइड हॉर्मोन्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर देखो इस टॉपिक में कोई डाउट है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम में आईडी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना, वहाँ पर यार मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगा कोई डाउट रहेंगे तो। बात रही थायराइड हॉर्मोन्स की, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट, यार आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो। यार अगर आपको मेरी वीडियो लिटरली में समझ में आ रही हो, प्लीज़ यार एक चैनल को सब्सक्राइब आपका और वीडियो को लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदी और इंग्लिश की वीडियो में इंडियन मेडिकल लेक्चर।